सर, इंडियन रेलवेज को हम लोग सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानते हैं। जिसको भी मतलब ट्रैवल करना होता है वो आजकल ट्रेन से ट्रैवल करना प्रेफर करता है, और फ्लाइट से भी कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, बट मैक्सिमम जो इंडिया की जनता है वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। बट यार मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपनी स्टोरी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं गया हुआ था, आपको पता होगा कलकत्ता, अगर नहीं पता तो मैं आपको पूरा स्टोरी बता देता हूँ शॉर्ट में। तो हम लोग 1 तारीख को निकले थे कलकत्ता के लिए हावड़ा की ट्रेन से, और 1 तारीख को हम लोग निकले, 2 तारीख को हम लोग पहुँचे, और हम लोग की वापसी थी 9 तारीख की। हम लोग 9 तारीख को ट्रेन में बैठे और 10 को हम लोग पहुँच गए। तो इस बीच मेरा क्या हुआ, 9 तारीख को मेरा बैग चोरी हो गया। उसका मैं आपको पूरा भी व्लॉग शेयर करने वाला हूँ इस क्लिप के बाद। तो बेसिकली क्या हुआ था, हम लोग 9 तारीख को ट्रेन में बैठे, हम लोग ने सामान रखा, हम लोग की स्लीपर में हम लोग की टिकट थी क्योंकि हम लोग को AC टिकट नहीं मिली। और आज वैसे मैं आपको अगर डेट दिखाऊँ तो हो गई 12 जून, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो आपको बताने के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग 9 तारीख को ट्रेन में बैठे, मैंने सामान रखा, लगेज रखा, और हम लोग सो गए क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी अराउंड 11:45 रात की, 11:35 पे ट्रेन चल पड़ी थी, 10 मिनट अर्ली थी, ये अच्छा हुआ। बट हम लोग को क्या, हम लोग सो गए, उसके बाद सामान वगैरह सब पैक करके रखा, चेन लगा दी हम लोगों ने, बहुत मोटी थी, ठीक है। और क्या हुआ कि रात को अराउंड शायद 2 या 3 बजे मेरा बैग हो गया था चोरी, ऐसा हम लोग ने पुलिस में भी करवा दी थी, FIR वगैरह सब करवा दिए। बट मेरे को पता है वहाँ से कुछ रिजल्ट मिलना है नहीं, तो मैंने FIR करवा दी अपनी सेफ्टी के लिए। तो मेरा उसमें से बैग चोरी हो गया। मैं आपको अपनी चेन भी दिखाऊंगा, मैंने चेन लगाई थी बहुत मोटी, मेरे डॉग की चेन थी, मतलब मेरे पास पहले डॉग था तो उसकी मैं चेन ले गया था, उसी को लगा के मैंने लॉक कर दिया था। बट शायद गया स्टेशन में मेरा बैग हो गया चोरी। मेरे को सुबह पता चला, मतलब सुबह नहीं, जब हम लोग सतना पहुँचे अराउंड 5 बजे हम लोग की ट्रेन सतना पहुँच गई थी, जब हम लोग सामान खोलने लगे, हम लोग का शायद 6 लगेज था, उसमें से एक गायब था, 5 बचे थे। तो बस उसके बाद मैं गया TT को ढूंढा। मैं आपको पूरा भी व्लॉग शेयर करता हूँ, पहले आप वो व्लॉग देखो, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं। गाइस अपनी ट्रेन बहुत जल्दी आ गई, अभी 11 भी नहीं बजे, 12 बजे की ट्रेन है, चलो आराम आराम से चलते रहिए। तो भाई अभी 11:36 हो गए, फाइनली चल गए, मतलब 10 मिनट अर्ली है तो सही है यार, 11:45 का था। द नेक्स्ट डे पानी का चलो भाई मिर्ज़ापुर आ गया। ओ भाई ट्रेन तो बहुत भरी है मिर्ज़ापुर। सो गाइस इस पॉइंट पे मेरे को पता नहीं था कि मेरा बैग चोरी हो गया, क्योंकि एक सीट पे, मेरी सीट पे अराउंड 6 लोग बैठे हुए थे, मेरे को बैग चेक करने का जगह ही नहीं मिला। आगे चलेंगे भाई। एंड गाइस इस पॉइंट पे मेरे को पता चल गया था कि मेरा बैग मेरी सीट पे नहीं है, तो मैं चला गया TT सर को ढूंढने या कोई पुलिस ऑफिसर को ढूंढने, बट आगे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ।
बोला हट जाने ऐसे कुछ चेन काटी है, एक ये दो टुकड़े, ये तीन टुकड़े भाई, मेरा वाला सामान चला गया है। तो भाई देखो ये वाली ट्रेन ट्रिप अभी भी कितने भरे हुए हैं अंदर यार, इंडियन रेलवे का क्या होगा यार क्या। एंड लाइक जस्ट रियलाइज कि उससे बताओ मेरा पर्स भी पड़ा हुआ था बैग के अंदर, उसमें पैसे एटीएम कार्ड वगैरह सब था। तो यार बेसिकली क्या सीन हुआ, हम लोग अभी आधे घंटे से पुलिस सर के पास बैठे हुए थे, रेलवे पुलिस के, उनके रिपोर्ट तो लिखवा दिए, बट वही सीन है, हमने दो ऑप्शन दिए थे, चाहे तो हम आपको ये रिपोर्ट लिखवा दें, चाहे तो FIR करवा दें और फिर वो जाएगा क्या बोलते कोर्ट का। तो कोर्ट का तो कोई सीन करना नहीं है यार, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा अराउंड 10,000 का सामान था उसके अंदर, और 10,000 के सामान के लिए मैं कोर्ट कचहरी में जाऊँ, उसमें मेरे 10,000 खर्चा हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि अब मुझे भूलना पड़ेगा अपने बैग को, उसमें मेरे ATM कार्ड्स भी थे और ATM कार्ड्स और लाइसेंस। पर अब आपने मेरा पूरा व्लॉग देख लिया तो आपने देखा होगा मैं लास्ट में थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि मेरे को अचानक से पता, मैं सो रहा था, बताऊँ मैं मतलब रात भर सोया, अराउंड 9 बजे मैं सुबह उठ गया था, उसके बाद मैं उठा रहा, फिर दोपहर को जाके मैं 2 बजे सो गया था क्योंकि मेरा सर दुखने लगा था, फिर मैं 4 बजे उठा, जाके मेरे पापा ने उठाया, मैं मतलब आवाज़ सुना कि चेन कट गई है, तो मैं एकदम घबरा गया, मैं बोला किसका बैग चोरी है, मेरे को लगा किसी का चोरी हो गया, तब भी मैं घबरा गया था क्योंकि मेरे पास ऐसे किस्से बहुत आए हुए हैं, क्योंकि जब जा रहा था कलकत्ता के लिए तो एक बंदे का अराउंड एक किसी बाबा जी ने 1500 रुपये चोरी कर लिए थे, तब मैं घबरा गया था, मैं बोला कि यार किसी के साथ ऐसा ना हो, बट मेरे साथ ही होगी अगली ट्रेन में। तो बेसिकली मैं 4 बजे उठ गया, मैं फिर जाते ही चला गया मैं TT को ढूंढने और अपना सामान ढूंढने कि क्या पता भाई मिल जाए कोई रखा हो, तो मैं गया ढूंढने, आप जैसे वीडियो में देखे होंगे, मैं एकदम घबरा गया था, मैं TT को ढूंढा, मेरे को TT सर भी नहीं मिले, ना पुलिस मिली ना कुछ मिला, ठीक है। फिर अपन उतर गए ट्रेन से, मैं एकदम घबरा गया था, फिर मेरे को लगा कि चलो गया सामान गया, फिर बाद में मेरे को याद आया मेरे बैग में क्या क्या था। तो अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने उसमें दिखाया था मैं शॉपिंग किया था, मैंने अराउंड 4 से 5 जीन्स ली थी, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की थी, टी शर्ट्स ली थी, और ये वाली टी शर्ट भी मैंने वहाँ से ली थी, ये वाली बच गई क्योंकि मैंने दीदी के बैग में डाल दिया था, मेरे पास 2 टी शर्ट्स बच गई और ये सिर्फ मेरे पास एक जीन्स बची है और एक और बची है, बाकी सारा मेरा सामान चला गया, ठीक है। और उसमें मेरा मेमोरी कार्ड था 64 GB का, और उस पर कुछ कैश था, पर्स मेरा उसी में था बैग के अंदर, ठीक है। उसमें ATM कार्ड था, ATM कार्ड मैंने वैसे ब्लॉक कर दिया है, पुलिस सर ने भी बोला था ब्लॉक कर देना ATM कार्ड को, जो भी पैसे थे मैंने ट्रांसफ़र करा दिए अपने दूसरे बैंक अकाउंट में। मेरा लाइसेंस चला गया उसमें, और काफ़ी कुछ था, मेरा माइक था, कैमरे का माइक था, वो भी चला गया, और मैंने काफ़ी सारी चॉकलेट्स ली थी जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था, वो चला गया, कपड़े चले गए, मैं अपने फ्रेंड के लिए कपड़े कुछ लिया था कि उसको गिफ्ट करेंगे, सरप्राइज़ करेंगे, बट वो भी चले गए, और काफ़ी कुछ गया। बट चलो ये तो बात की बात है, अपन इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसको मूव ऑन कर लिया उस चीज़ से। बट मैं ये सोच रहा हूँ अगर मेरा कुछ महंगा सामान गायब हो जाता, जैसे कि लैपटॉप या कैमरा, क्योंकि यार अपन यूट्यूबर हैं, अपन इसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। अपन व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग के बिना अपन का यार मेरा मतलब मॉर्निंग मेरे व्लॉगिंग से होती है, ठीक है। जैसे कैमरा नहीं होता मैं घबरा जाता हूँ, ये वैसे मुझे कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यार अगर आप रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको कुछ भी सामान चोरी होगा तो आप किसके पास जाओगे। ये तो चलो मेरा अराउंड 10-11-12-13 हज़ार का सामान था, वो गया, कोई बात नहीं। अगर मेरा कुछ बड़ा सामान चले जाए, जैसे लैपटॉप, अपन 50,000 का लैपटॉप लेके चलते हैं, 50-60 हज़ार का अपन पूरा माइक ट्राईपॉड वगैरह सब ट्रैवल करके चलते हैं, तो अगर ये गायब हो जाए तो अपन किसको रिपोर्ट करेंगे, मेरे को बस ये समझ में नहीं आ रहा।
तो और मैंने वैसे ट्वीट वगैरह कर दिया है रेलवे से, बट उससे पता है कुछ होने वाला है नहीं। उनने डीएम करने को बोला था, मैंने डीएम कर दिया, बट अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं। आज हो गई 12-10 तारीख को मेरा चोरी हुआ था सामान। एक दिन मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मैं उस फेज से गुजर रहा था, तो मैंने बोला चलो छोड़ो। काफ़ी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, रिलेटिव ने भी सपोर्ट किया कि छोड़ो, इतनी छोटी सी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। बट मैं यही सोच रहा हूँ अभी ऐसे मेरे को कहीं बाहर शिफ्ट भी होना है, मैं अपना सामान लेके जाऊँगा तो यार मैं किसको रिपोर्ट करूँगा, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि रेलवेज़ अपन सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानते हैं, ऐसा मैं भी मानता हूँ, बट अब मेरे को लगने लगा है भाई ऐसा नहीं है। बस यही हुआ है मेरे साथ, छोटा सा स्कैम आप मान सकते हो। जिसने चोरी किया चलो उसके नाम में लिखा था जो भी मैंने कपड़े लिए थे, बट यार वही है, मेरा बैग भी निकल गया। मैं आपको बैग की फ़ोटो दिखा दूंगा, पर्पल कलर का था। एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं जब रिपोर्ट करने गया था वो जो पुलिस सर थे उनने मेरे को दो ऑप्शन दिए थे, चाहे तो आप इसके ऊपर आगे कार्रवाई करवाना चाहते हैं या एक और चीज़ दी थी मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक है। तो उनने बोला बेसिकली कि अगर आप इस पर आगे कार्रवाई करेंगे, अगर आपको कॉम्पनसेशन चाहिए तो वो कोर्ट का मामला हो जाएगा। तो मैं तो समझ गया कोर्ट का मामले में बहुत सारा टाइम लगता है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आपको तो पता ही है। क्योंकि मेरा 10-12 हज़ार का सामान था, मेरा उतना पैसा कोर्ट पे ही खर्चा हो जाएगा, जो भी जाना होगा मेरे को, गया स्टेशन जाना है वहाँ पे रिपोर्ट कराना है, तो उतना मेरा टाइम वेस्ट होगा ठीक है। तभी मैंने बोला इसको कुछ नहीं करते, मैंने बस FIR लिखवा दिए, अगर सामान मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, अपन क्या ही कर सकते हैं ठीक है। तो ऐट द एंड मैं यही कहूँगा कि अपना सेफ्टी खुद पे रखना, बट सेफ्टी का क्या है, मैंने अपना चेन भी पूरी लगाई थी अच्छे, हम लोगों ने सिक्योरिटी भी की थी, बट वो काट के ले गया पूरा बैग ले गया, अपन क्या ही कर सकते हैं। तो बस अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में, बाकी जो भी आपको करना है आपके हाथ में। मैं ट्विटर का अपना अकाउंट शेयर कर दूंगा, अगर आपको रीट्वीट करना है तो कर देना, बट उससे कुछ होना नहीं है, मेरे को पता है मेरा सामान तो गया है। बाकी अभी आगे आप व्लॉग्स देखना, मैं आगे बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, जो भी मतलब सामान लिया था वो दिखाऊंगा, ऑल्दो वो चला गया है, बट उसकी मैंने मार्केट की व्लॉग्स बनाए हुए हैं। तभी मैं बीच में अपनी वेस्ट बंगाल सीरीज़ को इसलिए काटा क्योंकि मेरे को ये डालना था, और आज 12 हो गई है, मैं शायद ही 13th को या आज ही मैं एडिट करके डाल दूंगा ठीक है। चलो एट द एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ तो आने ही वाली है, और आगे की मैं न्यूज़ देने वाला हूँ जुलाई में कुछ काफ़ी कुछ होने वाला है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब से थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।